क्या कह रहे हैं? आइए कलेक्टर, हमने गांव छोड़कर जाने के लिए कहा था ना, तो गए क्यों नहीं? अब दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम मारे जाएंगे। कानून से टकराओ, कानून से टकराओ। एहसान फरामोश हो, जमीन के कागजात लौटाओगे, हम तुम्हें इतना सताएंगे, इतना पीटेंगे कि पट्टी पट्टी मिट जाएगा, पट्टी पट्टी मिट जाएगा। हमारे पास इसका सबूत है, तुम्हारे गांव का नामो निशान पूरी तरह से मिटा देंगे। अब देखना मजा। राम 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 राम, जोर से गाएंगे, जोर से गाएंगे, हम हम रोएगा बकरा, दम दम दम, रोएगा बकरा, दम दम दम, पम पम आएगा मजा, राम पम पम गांव वालों की तकलीफ देख ली ना तूने, अब अपने शौहर की भी तकलीफ देख ले। चल चल, अरे चल ना चुपचाप, अरे चल। बहुत जलील किया था ना तूने, अब देख देख हमें जलील करने वालों का क्या हाल हुआ है। आज मैं अपनी जिल्लत का उन सारे लोगों से बदला लूंगा। कमीज पहनकर आने वालों के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले तुम लोगों ने हमारी कमीज उतारी थी ना, अब हम तुम्हारी बीवियों के कपड़े उतारेंगे। नहीं, छोड़ दो उसे, ऐसा मत करो, छोड़ दो, मत करो ऐसा, वो हमारे घर की इज्जत है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, ऐसा मत करो उसके साथ, छोड़ दो उसे, नहीं साहब, नहीं, छोड़ दो उसे, उसके साथ ऐसा मत करो, नहीं साहब, अरे कोई बचाओ उसे, नहीं, ऐ बिल्ले, तेरी माँ मर गई, तू भी अपनी माँ के पास जा। बचाओ उसको, सब मरोगे तुम। हे सुब्रमणि, तेरा बेटा, सब के सब मरोगे। चल, इसने पूरे गांव को पानी में डुबाया है ना, अब देख इसको आता है क्या तैरना। चल चल, चलो एक एक करके चलो। हम सीबीआई से हैं। सीबीआई? यहाँ कैसे? तरनम पहाड़ी के पास गवर्नमेंट के रिजर्व्ड इलाके के करीब अट्टीपट्टी गांव के मुतालिक कुछ तफसील हासिल करनी थी। अट्टीपट्टी, अट्टीपट्टी, प्लीज जरा ठहरिए।
जब अपनी आखिरी सांस ले रहे थे उन्होंने हमें एक बक्सा सौंपा था और कहा था कि जब कोई हुकूमत की जानिब से कोई नुमाइंदा अतिपटी गांव के मुतल्लिक सवाल पूछेगा तो उस हुकूमती नुमाइंदे को आप ये बक्सा अपनी जानिब से पूरी तरह तसल्ली बख्श होने के बाद उसे सौंप देना। ये लीजिए, यही वो बक्सा है और ये चाबी है। खोलो इसे। करने पर एक जरूरी बात पता चली। क्या पता चला? सेंसर्स लिस्ट में एक नाम मरने वालों की फेहरिस्त में नहीं है। कौन है वो? हरिवंदना, उम्र 5 साल। आप ये क्या कह रहे हैं नायर? जी मैडम, हमें पता चला तो हम भी चौंक गए। नो, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है। उस दिन से, उस साल से, आज की तारीख तक सारी फाइल्स लेकर आओ और उन सभी फाइल्स के साथ मैं चर्च के फादर कोरिए कोसे को इंटरोगेट करूंगी। नाउ जाओ लेकर आओ। माफ कीजिए पापा, आपसे कुछ और बातें जाननी थी। बोलते रहो। आपके बताए उस साल में, आपकी बताई उस तारीख को एंथोनी नाम के एक लड़के को फादर लुईस ने ब्रेड खिलाकर उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया था, ये बात इस रिकॉर्ड में मौजूद है। आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारी चर्च की तरफ से उसने स्कॉलरशिप पाकर अपनी स्कूलिंग पूरी की और बाद में उसने माया वरुण
मजहब बदल के ABC कॉलेज से BA पास किया और उसके बाद कोयम्बटूर लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री की। नायर, मरने वालों की लिस्ट में अरिवंदम का नाम ही नहीं है। उसी वक्त उसी साल उसी तारीख को एंथनी नाम का शख्स पैदा हुआ था, लेकिन इस चर्च के स्कॉलरशिप से तालीम हासिल करके तालीम पूरी करके अब तक इस चर्च के पास दोबारा नहीं लौटा। क्यों नायर? इसीलिए नायर, हमारा शक इसी कैरेक्टर पर है। आप दुरुस्त फरमा रही हैं मैडम। एक मिनट, इसे पकड़िए। वरुण, यहाँ देना जरा। जी जी मैडम। अभी के अभी JCB वालों को बुलवाइए और यहाँ पर इसी वक्त खुदवाइए। संभल कर जाना। ये बताइए कि यहाँ की सारी लाशें कितने साल पुरानी हैं? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ओके मैम। वो भी अभी के अभी। जी जरूर। एक बात समझ नहीं आई, इतने साल पानी में रहकर भी ये लाशें कैसे नहीं सड़ी? नमक के अंदर कोई भी चीज खराब नहीं होती है, उसी तरह खारे पानी में दबे होने से ये बॉडीज आज तक डिकम्पोज नहीं हुई। आधे घंटे में आपको सारी रिपोर्ट देता हूँ। नायर, हिंदू धर्म में पैदा हुआ एक शख्स और ईसाई धर्म को अपनाने वाला एक शख्स, वो दोनों शख्स एक ही हैं। हम जिस सिटीजन को तलाश रहे हैं वो अवीरा नंदन के नाम से पैदा हुआ, एंथनी के नाम से पला बढ़ा, लेकिन अब वो कहाँ है नायर? वो कहाँ गया? कहाँ गायब हो गया है वो? मैडम, आपसे मिलने मस्जिद गली वाले इंस्पेक्टर राशिद खान आए हैं। अंदर भेज दो। आप जिस कॉन्फ्रेंस में शामिल थी वहां हम भी मौजूद थे मैडम। कानून को कोई और तरह से हैंडल करने वाले दिखे तो इत्तला करने के लिए कहा था। ऐसा एक शख्स हमारे इलाके में है मैडम। कौन? अब्दुल्ला मैडम। अब्दुल्ला? मिस्टर राशिद खान, आपका यह अब्दुल्ला क्या ऐसा नजर आता है? यही है मैडम। आपके पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ कोई मामला जहां दर्ज तक है? हमें इल्म है, कोई मामला दर्ज नहीं है। हमें यहाँ आए हुए 3 साल हो चुके हैं, इनके मुतालिक कोई तफसील चाहिए तो हमें बताएं। नहीं नहीं, इसे आप यहीं छोड़ दीजिए, किसी और को पता ना चले। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, अब आप जा सकते हैं। ओके मैडम। गिलबर्ट, नायर। मैडम। यस मैडम। अफसर रशीद खान के कहने के मुताबिक उनका वो आदमी और हम जैसे तलाश रहे हैं वो दोनों एक ही हैं। What are you saying? आज पूरे राज्य को हिलाने वाला सिटीजन मस्जिद गली में एक आम मैकेनिक बनकर घूम रहा है। नायर, उस पर हाथ रखने से पहले हमें कुछ बातें पुख्ता करनी होंगी। हमें मिलाकर हमारे कुल 4 भाई और, फिर भी हम अब्दुल्ला के लिए रोज अल्लाह से दुआ करते हैं। अब्दुल्ला जैसा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कोने में बैठकर मैं चप्पल सिलता था, लेकिन अब्दुल्ला भाई की वजह से आज ये दुकान है। घर के हालात की वजह से काम करने के मेरे जिंदगी में सिर्फ वालिद ही अपाहिज बनाता है, ये कहकर मुझे हौसला देने वाले हैं हमारे अब्दुल्ला। घर और उसका, हम उसके साथ रहते हैं फिर भी पता नहीं चलता कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, फिर आप उन्हें कैसे तलाशेंगे? मैडम, हमारा शक सही निकला। अब्दुल्ला ने अपनी दुकान 1996 के बाद ही खोली है। उसकी एक्टिविटीज उसके दोस्त भी नहीं जानते। बार बार मुलाजिमों को छुट्टी देता है। छुट्टी वाले दिन है, VIP लोगों का अगवा होना, ये महज इत्तेफाक है मैडम। नायर, हमें फौरन मंसूबा बनाना होगा। शायद हम गुनहगार के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा करीब।
करीब आ गए हैं। सीबीआई सरोजिनी हरिश्चंद्र हमारे करीब पहुंच चुकी है। अगला अगवा करने का और उनका हम तक पहुंचने का वक्त एक ही होगा, तो प्लान पर दोबारा गौर फिक्र करना होगा। वो तो ठीक है भाई, तमिलनाडु में हमारे लिए वैसे भी हजारों मसले हैं। एक जानेब सीबीआई और दूसरी जानेब हमें पुलिस तलाश कर रही है। ऐसे वक्त में किसी और को अगवा, ये जरूरी है क्या? जैसा हमने और बाबा ने पहले ही तय किया है, हर एक को उनकी जगह से ही अगवा किया जाएगा। हुकूमत को भी इसका झटका लगना चाहिए, तभी हमारा उठाया हुआ हर कदम उनके लिए तूफान होगा। कल सुबह उसके नमाज पर जाते वक्त हम सभी मस्जिद के इर्द गिर्द होंगे, लेकिन आसपास के किसी भी शख्स को शक नहीं होना चाहिए, समझ गए तुम? बिल्कुल नहीं होगा, उन्हें शक भी नहीं होगा और हम भी जीपी ऑफिस पहुंच जाएंगे। भाई हम फिर नहीं, हम अकेले ही जाएंगे, कोई साथ नहीं आएगा। आप अकेले जाएंगे तो सीबीआई और पुलिस हमारी तलाश में है। वो बात नहीं है भाई, हम संभाल लेंगे। आप लोग बाहर इंतजार करना, डीजीपी को अगवा करके हम वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद कौन हमारा पीछा कर रहा है तुम लोग फिक्र मत करना, हम संभाल लेंगे। हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा, यही है वो सिटीजन। उसके गुनाहों पर हमें अभी रोक लगानी होगी। तो सीबीआई पर और हमें तलाश रहे हर महकमे पर एक और बदनुमा दाग लगेगा। मैडम, दिस इज शंकर, हम मस्जिद की जानिब जा रहे हैं। ओवर। प्रताप, मस्जिद गली के किनारे पर इंतजार कर रहे हैं। ओवर। एक एक करके आ रहे हैं, सभी लोग अलर्ट रहे हैं। मैडम, वो पहुंच चुका है। बेहतर। अब्दुल्ला आ रहा है मैडम। हां, देख रही हूं। नहीं नहीं, शूट मत करना। ओके मैडम। यहां बंदूकें ना निकाले, मसला बढ़ सकता है। ये एक मस्जिद है, ठीक है, शूट मत करना। नमाज पढ़कर वो किसी भी वक्त बाहर आ सकता है। जैसे ही वो बाहर आता है, फौरन उसे गिरफ्तार कर लीजिए। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। चलिए, संभल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मैडम, वो अभी तक नहीं निकला। मैडम, सभी लोग चले गए। कुछ देर इंतजार करो। मैं तो दुकान जा रहा हूँ, आइए। नहीं मैडम, सभी चले गए, मौलाना को छोड़कर कोई भी नहीं है। ये क्या हो रहा है नायर? यस मैडम। जल्दी मस्जिद के अंदर जाओ। इतने अलर्ट होने के बावजूद वो कैसे निकल गया, कहाँ गया वो? चलो संभल कर, उधर देखो, उस तरफ भी। यहां आओ। वहां पीछे सुरंग से रास्ता है, उस तरफ मैडम।
वो देखो सिटी जो माशरे में गंदगी फैलाता है उसे भी, और जो माशरे से गंदगी साफ करता है उसे भी गिरफ्तार करते हैं। कैसा कानून है? इस पर हाथ रखकर कसम खाकर कहें, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों खाएं सच बोलने की कसम? माय लॉर्ड, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि कसम क्यों खाते हैं, फिर भी इन्होंने लॉ में गोल्ड मेडल हासिल किया है ना अजीब बात। तो क्या हमें गोल्ड मेडल देने वालों को आप बेवकूफ समझते हैं? अपनी गुफ्तगू में उलझाकर आप अदालत को गुमराह करना चाहते हैं। दुनिया के हर मुल्क में, हर अदालत में मुल्ज़िम से कसम खाने के लिए कहा जाता है, ये रिवाज है। कसम खाने वाले ऊपर वाले से डरकर, जमीर से डरकर सच कहेंगे, ऐसा अकीदा है। लेकिन आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। माय लॉर्ड, ही इज इंसल्टिंग द एंटायर लीगल सिस्टम। माय लॉर्ड, मुल्क की सियासत में जो सियासतदान और आला ओहदेदार हैं, मुल्क और मुल्क की खातिर ईमानदार रहने की कसम खाते हैं। क्या कसम खाने वाले सभी ईमानदार हैं? नहीं। कानून की बेइज्जती होने वाले मुल्क में यहाँ खड़े हुए लोगों को कसम खिलाते हैं, इस बात का क्या मतलब है? क्या किसी को कसम नहीं खानी चाहिए? अगर कसम खाने के बाद हम कहें कि हम बेकसूर हैं तो क्या हमें आजादी मिल जाएगी? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? फिर क्यों कसम की खातिर वक्त जाया करते हैं वकील साहब? मिस्टर सिटीजन, अदालत के तौर तरीके नहीं बदल सकते, ये आप जानते होंगे क्योंकि आप कानून को बेहतर जानते हैं। बिल्कुल रखते हैं माय लॉर्ड, कायदों को नहीं बदला जा सकता, कोशिश करके इंसानों को बदल सकते हैं। नेताओं को नहीं बदला जा सकता, कोशिश करके अवाम की किस्मत बदली जा सकती है। अवाम की किस्मत को जुर्म के रास्ते पर चलकर बदल सकते हैं आप? हम बदल सकते हैं या नहीं ये तो वक्त बता देगा। मिस्टर सिटीजन, आप क्या हैं? अरविंदम हैं, एंथनी हैं या फिर अब्दुल्ला हैं? मतलब है कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं या फिर मुसलमान हैं? जवाब दीजिए। हमारा हर मजहब से रिश्ता है, ऐसा हमारे जानने वाले कहते हैं और कहेंगे। आप क्या कहते हैं? सिटीजन, जाति, धर्म, भाषा इन सब से परे है एक हिंदुस्तानी शहरी। आप आम शहरी नहीं हैं। कानून, इंतजामिया और अदालत, इन तीनों में से तीन ऊंची शख्सियतों को अगवा करने वाले गुनहगार मुल्जिम हैं आप। अब बताइए उन्हें क्यों अगवा किया? उन्हें अगवा किया तब तो इस मुल्क की आंखें खुली, पुलिस और सीबीआई सभी हरकत में आ गए। सीबीआई और पुलिस के पास कोई और काम नहीं है? मुल्क के सियासतदानों की हिफाजत करना और उनके किए गए घोटालों पर झूठी कार्रवाई करना, यही काम है ना? आप अफसरों के साथ नहीं, हुकूमत के साथ खेल रहे हैं। हुकूमत से खेलने वाले हम नहीं, वो लोग हैं जिनकी आप तरफदारी कर रहे हैं, बल्कि वही अफसर खेल रहे हैं। माय लॉर्ड, एक इलाके को संभालने वाले कलेक्टर, एक रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत करने वाले पुलिस ऑफिसर, अवाम के साथ इंसाफ करने वाले जज, ये तीनों इस हुकूमत के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे? बिना वजह सनसनी फैलाने की हमें भी जरूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों को अगवा करके मुल्क में हलचल क्यों मचाई तुमने? मुल्क में कई जगहों पर, कई मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, भूख हड़ताल करते हैं, किस लिए? ताकि उनके मसले सिर्फ हुकूमत तक नहीं अवाम तक भी पहुंचे। ये एक अकेले इंसान की आवाज है, हमारा मसला भी अवाम तक पहुंचना चाहिए, उनकी नजर भी हम पर पड़नी चाहिए। एक गरीब तबके के मजलूम की आवाज दुनिया में गूंजनी चाहिए, इसलिए हमने उन्हें अगवा करके उन्हें जान से मार दिया। तो आपने उनका कत्ल कर दिया? कर दिया। That's all my lord। ये खुद कबूल कर रहे हैं कि इन्होंने कत्ल किया है। ये कानून, इंसाफ और इंतजामिया के खूनी हैं। मजहब बदला, हुलिया बदला और ना जाने क्या क्या किया। इन्हें सजा सिर्फ लोगों का कत्ल करने के लिए नहीं बल्कि मुल्क के अमन को गारत करने के लिए भी मिलनी चाहिए। इस अदालत से गुजारिश है कि इन बातों को मद्देनजर रखते हुए कटघरे में खड़े हुए इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमें बस इतना ही कहना है जज साहब। इस खूनी दरिंदे को हमें सौंप दीजिए, हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए सर, उस पर पेट्रोल छिड़ककर जला देना चाहिए। इसे मेरे पास छोड़ दीजिए, काट कर फेंक दूंगा इसे। इसे हमारे हवाले कर दे, फिर देखिए हम इसका क्या हाल करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। हमारे शौहर। देखिए, अपने वालिद को खोकर रोने वाले बच्चे, शौहर को खोकर रोती हुई बीवी, इन दोनों को क्या जवाब देंगे आप? बताइए, जवाब दीजिए। बोलिए मिस्टर सिटीजन, आपने कत्ल क्यों किया, बोलिए। अब भी अगर आप खामोश रहे तो यह अदालत की तौहीन होगी, कहिए। मलॉर्ड्स, तीन बेकसूरों को अगवा करके कत्ल किया, उनमें से एक हमारी अदालत के जज साहब भी हैं। अगर हम इसे सजा नहीं दे पाए तो ये निहायत शर्म की बात है। बस भीख कीजिए,
कौन बेकसूर? किसे बेकसूर कह रहे हैं आप? तीन लोगों का कत्ल क्या कर दिया तो हमें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस, सीबीआई और कमांडोज के साथ पूरा मुल्क एक हो गया। 695 लोगों का एक पूरा गांव हुकूमत के रिकॉर्ड से गायब हो गया। क्या पूछा किसी ने? ये क्या है? एक नई कहानी सुना रहा हूं? ये कोई कहानी नहीं, काली तारीख है। खून खौला देने वाली कड़वी सच्चाई। समंदर किनारे बसे एक गांव को धीरे धीरे खत्म करने की हुकूमती नुमाइंदों की घिनौनी साजिश है। अट्टीपट्टी नाम का एक गांव हुआ करता था, क्या आप में से किसी को इसका इल्म है? इल्म है किसी को? उस नमकीन हवा में उन लोगों के रोने की चीख आज भी सुन सकते हैं। सीने को छलनी कर देती है वो आवाज। रामायण के अहिल्या की तरह ही पूरा का पूरा गांव पत्थर में तब्दील हो गया। अब राम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बंगाल की खाड़ी से हमारे लोगों को बहुत उनसियत थी। बे ऑफ बंगाल हर साल आती रहती थी, कमर तक ठहरती, 20 दिन तक सोती। माय लॉर्ड, हमारे गांव को बचाना था, हमारी जाने बचानी थी। एक दीवार बांध कर देने की मांग की, अट्टीपट्टी के अंदर पानी रोकने के लिए बस एक बांध की मांग की थी। चुनाव जीतने के बाद वहां कभी ना झांकने वाला गांव का एमएलए हमारी लाग गुहार लगाने के बाद वहां पर आया और साथ में कई सारे अहदेदार भी आए। बांध बांधने का वादा करके बुनियाद डालकर चले गए। हम इंतजार करते रहे, ना गांव में कभी बांध बना और ना हमसे वादा करके गए वो आला अफसर पलट कर आए। इस बात से नाराज होकर हमारे बाबा सुब्रमण्य पूरे अट्टीपट्टी गांव को लेकर कलेक्टर ऑफिस की चौखट पहुंचे। साहब जी, ये अट्टीपट्टी है, ये सारा अट्टीपट्टी है। तूफान और पानी के कहर से अभी तक तो महफूज है। हम लोग जान हथेली पर लेकर आपके पास मदद मांगने के लिए आए हैं साहब। हवा को रोकने के लिए और समंदर को बांधने के लिए कोई कानून बनाया जा सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। क्या कहा था? समंदर के पानी से कोई तकलीफ नहीं होगी, ये कहकर बुनियादी पत्थर रखकर सारे चले गए। उसके बाद क्या हुआ ये जानना चाहते हैं? कौन सा समंदर, कौन सी बुनियाद, ये क्या बकवास कर रहे हो सुब्रमण्य? 5 साल पहले समंदर के किनारे जो बुनियाद रखी थी ना आपने, उसी की बात कर रहे हैं हम। हर साल 10-12 लोगों का तूफान से मरना आम बात हो गई है और मरने वालों में ज्यादातर बच्चे होते हैं। हर बच्चे को देखकर गुमान होता है इस साल बारिश में ये तो नहीं चला जाएगा, हमेशा हमें डर लगा रहता है। अरे बाबा तुम खामोश रहो साहब। मशरिक से पानी आए तो मगरिब की जानिब दौड़ते हैं, शुमाल से आए तो जुनूब की जानिब दौड़ पड़ते हैं, लेकिन चारों तरफ से पानी ने हमें घेर कर हमारा जीना हराम कर दिया। बीचों बीच से अगर पानी निकल आए तो हम कहां जाएं? आपके पास आकर रहम की भीख मांग रहे हैं, कुछ तो कीजिए, हमारी जान जोखिम में है, कुछ तो कीजिए, कुछ कीजिए। हम बात कर रहे हैं ना, तो चुप रहो, खामोश रहो, आप ही बताइए साहब। अच्छा, अरे सुनो, वो अट्टीपट्टी की फाइल देना। फाइल आ गई। अरे सब्र करो जरा। बांध बांधना है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हुकूमत ने कभी ऐसा कुछ नहीं। अरे एमएलए साहब तो बोल कर गए, वादा भी किया था, कसम भी खाई थी। अरे बताओ ना। हाँ साहब, हाँ। हाँ, हाँ, साहब। अरे देखो इसमें होगा लिखा। एमएलए हुकूमत नहीं है। सुब्रमणि हमारी बात ध्यान से सुनो, एक गांव के लिए हम सिर्फ इतना ही खर्च कर सकते हैं, यही कायदा है। गांव के सिर्फ 800 लोगों के लिए हम खर्चा करके पक्की दीवार नहीं बना सकते। कम पैसों से अगर दीवार बनाएंगे तो वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। साहब, उस एमएलए ने वहां पर आकर काम की जो बुनियाद रखी थी उस बारे में आपका क्या कहना है? वो लोग कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके कामों का हमारे काम से कोई ताल्लुक नहीं। उनकी हर बात को आंख बंद करके हम नहीं मान सकते। आपको फंसाने के लिए वो लोग हजारों झूठ बोलते हैं, उनमें से अगर 4-5 बातें हम मान भी लें तो वो महज इत्तेफाक। साहब एक बात साफ कर दें सुब्रमणि, मेहरबानी करके समझ लें, अट्टीपट्टी को ना तो दीवार मिली है और ना ही मिल सकती। हमारी बात माने
तो इस जगह को फौरन खाली करके कहीं दूर जाकर बस जाए। हाँ, इसका इंतजाम हम कर सकते हैं। हम तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकते हैं। अटी पट्टी को छोड़कर चले जाए। बड़ा जुल्म कीजिए। ऊंचे औहदे पर बैठकर आपने कह तो दिया, लेकिन अपनी जमीन छोड़कर हम कहाँ पर जाएंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। सुनिए, छोड़ो हम साहब, आप कलेक्टर नहीं, आप भगवान हो। चलो रुकिए। अरे चलो ना, अति पट्टी को कोई दीवार नहीं मिलेगी। बाबा, आपको छोड़ दिया इन्होंने, अपने गांव को छोड़ने के लिए कह रहे हैं ये लोग। कहाँ जाए, कहाँ जाए अपना गांव छोड़कर हम? उन्होंने पता नहीं क्यों दीवार की बात की और अब मना कर रहे हैं। हम लोग इंसान नहीं है, जिंदा लाश मानते हैं हमें वो। लेकिन एक बात तो है बाबू, खारे पानी की मछली और मीठे पानी की मछली, ऐसी दो तरह की मछली होती है ना। क्या मीठे पानी की मछली खारे पानी में रहेगी, या खारे पानी वाली मछली मीठे में टिकेगी? वो मर जाती है। अगर मछली का ये हाल है तो हम लोग तो इसी मिट्टी के इंसान है बाबा। हम लोग दूसरी जगह पर कैसे टिकेंगे? कहिए बाबा, हम लोग यहाँ से जाएंगे तो अगले पल ही सीधे मर जाएंगे। मर जाएंगे हम लोग। सुब्रमणी, सुब्रमणी। अरे रुक जाए जरा। अरे कौन है? अरे साहब, क्लर्क है ना। आइए आइए। क्या कलेक्टर साहब ने भेजा है? वो बात है कि। अरे खामोश क्यों खड़े हो, कहिए ना। आपके साथ फरेब हुआ है सुब्रमणी साहब। साफ साफ बताएं माजरा क्या। दीवार की बात झूठी है। क्या, पर कैसे? दीवार भी बन गई और बांध भी बन गया। ये तुम क्या कह रहे हो, ये सब कब हुआ? पिछले साल हुआ। ऐसी बदमाशी, ये क्या बकवास है? यहाँ दीवार कहाँ बनी है? है ना सुब्रमणि, रिकॉर्ड में लिखा है 550 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा, काले पत्थर का बना, जिसमें 15 करोड़ का खर्चा आया। सब कुछ लिखा है इसमें। बांध बनने के बाद वजीर साहब ने इफ्तिताह भी किया। लेकिन ये तो सरासर नाइंसाफी है। 15 करोड़ को हड़प करने वाला वो शख्स है कौन? एमएलए। इसमें कलेक्टर भी शामिल है। इन सभी ने मिलकर आपके साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। आपके नाम से जो इमदाद गाँव को मिला था, वो सारा का सारा पैसा खा गए। ये क्या कह रहा है? बांध का काम खत्म हो गया और दीवार भी बन गई है, ये कैसे हो सकता है? अरे दीवार बनाई नहीं, बनाने का झूठा हिसाब दिखाया है। बिना एक पत्थर रखे बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, ऐसा झूठा कहकर सारा पैसा हड़प कर हमें बेवकूफ बनाया है। 15 करोड़ कहा ना? 15 करोड़ मतलब कितना हुआ? हजारों से बहुत ज्यादा होता है। इतना सारा पैसा कैसे हड़प किया होगा? अरे रे, इतना पैसा हुकूमत ने हमारे लिए दिया और ये उसे भी खा गए। कीड़े पड़े उन्हें, मर जाए वो। हमारी समझ से परे है ये सब। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो दीवार बनाने के लिए बुनियाद रखी किसी और ने, दीवार नहीं बनेगी, गांव को खाली करने की बात कहता है और बोलते हैं दीवार बन गई और 15 करोड़ रुपया हड़प लिया है। इस बात का हमें अब इल्म हो रहा है। कलेक्टर, हम गरीबों की हाय कहीं नहीं जाएंगे। सुब्रमणी, इस कलेक्टर की बात करके कोई फायदा नहीं। हक परस्त आदमी कभी हारता नहीं है, रोता भी नहीं है। हुकूमत और अहदेदारों के दरमियान में कुछ गड़बड़ है, हमें उसी को देखना होगा और दुरुस्त करना होगा। बदला लेना ज्यादती है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो जायज है, हमें इंसाफ मिलेगा। अब हमें चलना होगा, हमें एक जगह पता है, चलो हमारे साथ। अरे बाप रे, 15 करोड़। साहब, गरीब आदमी चोरी करे तो उसकी खाल उधेड़ दी जाती है, लेकिन ऊंचे औहदों पर बैठे लोग चोरी करें तो क्या उन्हें कानून सजा देगा? क्या, क्यों नहीं देगा? अगर ये बिना चलन चाहे तो बहुत कुछ मुमकिन है। साहब, इस कागजात के सबूत के बिना पर उसे गिरफ्तार करते हैं। फिक्र ना करें,
ये सबूत काफी हैं। अगर आप सभी हमारा साथ दें तो हम उन सभी को बेनकाब कर देंगे। क्या क्या करना है बताइए, गवाही के लिए सारा गांव इकट्ठा कर सकते हैं, आप सिर्फ कहिए। इसकी जरूरत नहीं है, हम जो कह रहे हैं उस पर गौर करें। अब आपके गांव में बांधी हुई दीवार में छेद हो गया है। दीवार में छेद? पर हमारे गांव में तो दीवार बनी ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भाई? तो बिना बंधी हुई दीवार के अगर वो पैसे खा सकते हैं तो हम उन्हीं की तरकीब क्यों ना अपनाएं? जो दीवार है ही नहीं उसमें छेद होने का दावा करके सारे गांव वाले मिलकर दस्तखत कीजिए। क्यों? बाप रे। आम तौर पे ये शिकायत पीडब्ल्यूडी को जाती है, लेकिन हम लोग इसे वहां नहीं देंगे। तो फिर हम क्या करेंगे? जहां देने से इन्हें जोर का झटका लगेगा, जहां देने से सारी दुनिया को सच्चाई का इल्म होगा, हम वहां जाकर देंगे। तो फिर किसे देने का इरादा है? बताते हैं। ए, कहां जा रहे हो? बड़े साहब से मिलने आए हैं। नमस्ते साहब। क्या है, कहां से आए हो? हट्टी पट्टी से आए हैं साहब। हट्टी पट्टी से आए हो? पहले ही समझ गए थे, मछली के भू से ही पता चल जाता है। ए, चार सौ दो, जरा देखे इन्हें, बम्बिल पीकर तो नहीं आए ना? साहब हम तो कुछ और ही काम से आए हैं। क्या बात है, किसी करीबी गांव से लड़कर आ रहे हो क्या? अब वो लोग तो तुम्हारे गांव में आने से रहे, तुम्हारा गांव तो चारों ओर से समंदर से घिरा है, वहाँ और कुछ क्या हो सकता है बताओ? पर हम जैसे इंसान वहीं पर रह रहे हैं। इंसान? और आप लोग? खैर छोड़ो, अपनी बात कहे और चलते बने। बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब। वहाँ के बांध में कुछ हुआ है तो उसकी मरम्मत करने के लिए लोग हैं। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, अपनी बात कहो और जाओ यहाँ से। गांव के बांध की दीवार में छेद हो गया है साहब, उसे ही ठीक करवाने की इल्तिजा कर रहे हैं। बांध हट्टी पट्टी में? हाँ। मजाक करने आए हो क्या? नहीं साहब, देखिए ये देखिए। लाओ बांध छेद। ₹15 करोड़, 550 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा। वजीर साहब ने उद्घाटन किया है, सारे कागजात इसमें मौजूद है, असली तो वकील साहब के पास है। बांध कहाँ है आप समझ गए ना? हाँ, समझ गए। बांध कागज पे है। तो छेद कहाँ है, इसका भी इल्म हो गया होगा? हाँ बिल्कुल इल्म हो गया, वो छेद बांध में। साहब अब हमें वो दीवार नहीं चाहिए। चुप रहो, उसके लिए जो पैसा दिया गया उसे चुराने वाले उन मक्कारों को, वजीर को या हुकूमती अहदेदारों को, चाहे कोई भी हो, आपको उन्हें गिरफ्तार करना होगा। ₹100 चुराने वाले को पकड़ कर उसके हाथ पैर तोड़ते हो तो 15 करोड़ चुराने वालों का क्या क्या तोड़ोगे आप? देखिए आप लोग खामोश हो जाएं, आपके जज्बातों को समझते हैं हम। झूठ मूठ का बांध बांधने का काम करके उन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की है, लेकिन अट्टी पट्टी के लोग उससे भी बड़ी चाल चल रहे हैं। जहाँ बांध है ही नहीं उसमें छेद होने की कहानी सुना रहे हैं। अट्टी पट्टी वाले भी कुछ कम नहीं है, हम नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इससे जुड़ा हर कोई चाहे हमारे पैर पकड़े या दम तोड़े, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। हाँ ठीक है, खुश रहें, खुश रहें, उठ जाएं, उठ जाएं। मामला आपके हाथ लगा, बहुत अच्छा हुआ। सर उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया है, उसे पढ़कर हमने सोचा कि उसे फेंक दें, लेकिन वो लोग काफी गुस्से में थे। सर मामला पेचीदा है, मामला बढ़ न जाए इसलिए थोड़े फिक्रमंद है। अट्टी पट्टी वालों की आप फिक्र ना करें, जरूर उनके पीछे कोई है जो उन्हें उकसा रहा है, वो कौन है ये पता करें। हमने ही उकसाया है, हमने ही कागज बनाए हैं, हमारी वजह से ही वो मामला पुलिस थाने तक पहुंचा है। ये क्या कह रहे हो, होश में तो हो ना? क्यों, जब 5-10 लाख खाते हैं तो इस विदा चलन के पास चलकर आते हैं, और 15 करोड़ हजम किए तो डकार तक नहीं ली और हमें पता भी नहीं चला। तो उसके लिए क्या ऐसे फंसाओगे? उनका साथ देकर आपने मामला बड़ा कर दिया, हमसे कहा होता तो एक टुकड़ा आपको नजर कर देते। अगर हम उनकी तरफदारी कर रहे होते तो आपकी चौखट चाटने थोड़ी आते। तो क्या मदद करेंगे आप? मदद करने के लिए तो आए हैं। तो बोलिए ना। कलेक्टर साहब आपने बांध बांधे बिना ही उसके कागजात भी तैयार करवा लिए और छोटे बड़े अफसरों को रिश्वत के दम पर रिकॉर्ड भी तैयार कर लिए, लेकिन जिन अट्टी पट्टी गाँव वालों को बांध बांधने की उम्मीद थी अब तक वो खामोश बैठे थे, लेकिन अब तो हट्टी पट्टी गांव के करीब 800 लोग
बांध में छेद होने की शिकायत कर रहे हैं और उस छेद को बंद करने की गुजारिश कर रहे हैं। इसका मतलब बताएंगे जनाब? पट्टी पट्टी में एमएलए व्यक्ति सेलरा ने वादे के मुताबिक बांध बांध दिया है और ये 100% सच भी है, बिल्कुल सच। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कागजात कह रहे हैं। तो आपके बांधे हुए बांध के गवाह ये कागजात ही हैं। अब अगर ऊपर वाला भी नीचे आकर धमकाए तो भी हमें कोई खतरा नहीं है। शिकायत कहीं और करते तो शायद खतरा हो सकता था, इसीलिए आपके आदमी के पुलिस स्टेशन में भेजा, क्योंकि हमें पता था कि आपका इंस्पेक्टर आपका वफादार और ईमानदार मुलाजिम है और वो आपको इतला करने जरूर आएगा। भाई जान, आपका शुक्रिया कैसे अदा करें? शुक्रिया वक्रिया तो होता रहेगा, आप लोगों को पहले एक काम करना होगा। वो क्या? उन लोगों के साथ मुस्कुराते हुए सबूत के तौर पर एक फोटो खिंचवाना होगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वो लोग हम पर भरोसा करते हैं, आप चाहें तो हम आपके साथ चलते हैं। पिताजी, वो आए हैं। अरे सर। अरे तुम यहाँ बैठे क्या कर रही हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। ऐसे है क्लर्क साहब, क्या बात है, अब क्या हो गया? वो इंस्पेक्टर और वो वकील दोनों जाकर उनसे मिल गए हैं। ये आप क्या कह रहे हो साहब, ऐसा कैसे मुमकिन है बताइए। सुब्रमणी, अब और कोई धोखा ना खाए, अगर हम यहाँ रुके तो हमें खतरा है। हम चलते हैं, चलते हैं। बड़ा इंसाफ और कानून की बात कही थी हमने, देखा आपके कानून ने क्या किया। खामोश रहने वाले अतिपट्टी लोगों के जिस्म से उनके कपड़े तक उतारने के लिए खाकी वर्दी वाले, सफेद वर्दी वाले और काले कोट वाले मुल्क के ऐसे सारे लोगों को खड़ा कर दिया हमारे सामने। अरे अतिपट्टी वालों के लिए इज्जत से बढ़कर जान नहीं है, अगर इज्जत गई तो सब कुछ गया। अरे छोटे हथियार उठा ले, आज दूध का दूध और पानी का पानी करके रहे। चलो चल जाए। बात सुनो। अरे रुक जाओ, रुक जाओ सुब्रमणि, रुक जाओ सुब्रमणि, सुनो, मत जाओ, जोश में मत जाओ सुब्रमणि, ये ठीक नहीं होगा। अरे वो चारों लोग एक हो गए हैं। सच में? मार डाले उन्हें, तलवार में धार तो लगा कर ही रखी है, तो तलवार उठाए और एक एक को मार डालिए। चलिए जाइए। ए चवेली, इतना चिल्लाते क्यों हो? हर बात पर हथियार उठा लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुब्रमणि। चार लोगों की अच्छाई के लिए अगर हथियार उठाओगे तो आपके बीवी बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, उसके बाद आपकी बातों का क्या मतलब होगा? बाबा, इस अति पट्टी में रहने वाले 800 लोगों को हमारी हुकूमत ने 15 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे पैसे चुराकर हड़पने का उन्हें कोई हक नहीं, नहीं, नहीं। बाबा, एक मुल्क के लिए एक गाँव को चला सकते हैं, अपने अति पट्टी के लिए ये सुब्रमण्यम जलने को तैयार होगा। हम लोग कैसे समंदर से जूझ रहे हैं उन्हें बताना होगा, उन्हें बताना होगा। पूरा अट्टी पट्टी इकट्ठा हुआ है, देखा? मुझे तो लगता है कि हम लोगों का इस्तकबाल बड़े जोर शोर से होगा, क्योंकि हम लोग अनाज की बोरियां भी तो साथ लाए हैं। हाथ भी नहीं हिला रहे। अरे हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ भाई, हाथ हिलाओ। अरे बाद में हिलाएंगे, हमारी मुराद को कबूल कर पूरा गांव ताली बजाएगा। दांत मत दिखाओ, आप लोगों से बदबू आ रही है। ओए, ये क्या बक रहे हो? आपने फंसा दिया ना, आपको अर्जी थी हमने और वही अर्जी आपने इन्हें सौंप दी। अपने घर की औरतों के साथ भी ऐसा ही करोगे क्या? अरे तुम इंस्पेक्टर नहीं, दलाल हो। देखिए आप लोग थोड़ा समझदारी से काम करो। अरे चुप रहो, तुम कोई वकील हो? पूरे गांव को फंसाने में कौन सी समझदारी है? इसलिए कानून की पढ़ाई की थी क्या तुमने? काला कोट पहनकर घूमते हो, शर्म करो, शर्म। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? आप लोगों के लिए हम साड़ी और धोती लाए हैं। अरे इनको देखो, गला दबाकर मार डालने के बाद अब मैयत पर चादर चढ़ाने के लिए आए हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? और देखो साथ में चावल भी लाए हैं। हमें अनाज की क्या जरूरत है? अरे हम क्या खाते हैं, दिखाओ इन्हें। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। बदबू आ रही है, यही है, 20 सालों से यही चावल मिल रहा है हमें, कीड़ों से सड़ा हुआ चावल। ओह, इस तरह मुंह क्यों बंद करे अपना, जरा खाकर देखिए, खाकर देखिए जरा। खाए, अरे खाए ना, तो इधर मेरा सारा गांव जो चावल खाता है तुम भी खाओ, खाओ। अरे सुन, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ए, हमारी तरफदारी का नाटक करके एमएलए से जाकर मिल गए ना, क्यों पता है? हमारा दर्द नहीं जानते, हमारी तकलीफों को नहीं समझ सके। आप पूरी तरह से समझ में आएगा जब यहाँ की हवा खाएंगे, तालाब में तैरती मछलियों का गंदा पानी पियोगे, तब हमारे रूह की तकलीफ समझ में आएगी तुम्हें। हाँ, उतारे कपड़े। अरे उतारो कपड़े। अरे देख रहे हो, हम सब तो उतार कर ही रहेंगे। अरे उतारो, शर्मा क्यों रहे हो? उतारो, उतारो इनके कपड़े, उतारो।
कैसा लग रहा तुम? अगर बड़े अफसर बन गए तो तुमको इस मुल्क को बेचोगे? हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम तुम्हारे अंदर के खबीज को मार मार के भगा देंगे। जब आग जलेगी पैर दफन होगा और डूबने में 3-4 घंटे लगेंगे और जी घबराएगा तब समझ में आएगा कि यहाँ रहना कैसा होता है। कल तुम्हारे लीडर के सामने नागपट्टनम में भूख हड़ताल होगी। अपना अपना राशन कार्ड जला देंगे। यह सब होगा वहाँ पर। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। पेट के लिए अनाज नहीं देते, ऊपर राशन कार्ड फेंक कर गए। इन नेताओं को हमारी कोई परवाह नहीं है। इनका साथ देने वाले ये अफसर है ना, आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। ये पुलिस है, ये वकील, ये कलेक्टर, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। कल तुम्हारे लीडर के सामने हम सब हड़ताल करेंगे। रोक सको तो रोक लेना, तब आंख खुलेगी इनकी कि अट्टी पट्टी वाले कौन है। सही कहा। सुनिए फादर जी, हमने उन गुनहगारों को सबक सिखाया। सबक सिखाया हमने। हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। कीचड़ उठाकर मुंह पर लेप लगा दिया हमारे। पहले हमारे सामने चप्पल तक नहीं पहनते थे। उन्हें माफी नहीं मिलेगी, बिल्कुल माफी नहीं मिलेगी उन लोगों को। माफ कर दीजिए साहब, हमसे गलती हो गई। हाँ हाँ, तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए उन्हें तकलीफ दे दी हमने। अरे साहब जी, हमें माफी मिला दीजिए ना फादर। माफी मिला दीजिए। ए मालिक, हमें और हमारे गांव नहीं छोड़ेंगे, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक पुलिस वाले की उन मछुआरों ने बेइज्जती कर दी। जमीन का कागज और राशन कार्ड दोनों लौटाएंगे क्या? लौटाने दो। अरे बंद करो अपनी बकवास। वो लोग अपनी जगह सही है। उन लोगों ने अगर जमीन के कागजात और राशन कार्ड लौटा दिए तो हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। अरे क्या बक रहे हो? अगर इस मुल्क का कोई भी शहरी अपने साथ सारे लोगों को मिला ले और बगावत पर उतर आए ये कहकर कि जमीन के कागजात और राशन कार्ड लौटा देते हैं कि हम जी नहीं सकते, तो आज हमारे साथ ही खामोश बैठे हैं ना कलेक्टर। इन्हें कदम उठाना पड़ेगा 3 घंटे के अंदर। अगर नहीं लिया तो इस इलाके में MLA यानी आपको फौरन कार्रवाई करनी होगी। अगर आप दोनों ने भी कुछ नहीं किया तो फिर गवर्नर के पास हुकूमत को मंसूख करने का कानूनी हक है। हम तो बस यही जानते हैं कि गलती करने वालों को ये हमेशा माफी दिलाते हैं। हमने जो गलती की हमें भी इनसे माफी दिला दीजिए ना फादर। सुब्रमण्य, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। एक जान कितनी कीमती होती है ये जाहिर करने के लिए तुम लोगों ने उनके साथ जो किया है वो गलत नहीं है, लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी की जंग लड़ने वाले, हमारे गाँव के हक की चोरी करने वाले गलत। तुमने जो सुलूक किया है वो सही है सुब्रमण्य, इसलिए तुम्हें माफी की कोई दरकार नहीं है। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं गॉड से प्रे जरूर करूंगा। कल जब सूरज निकलेगा तो अट्टी पट्टी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। अट्टी पट्टी गांव का नामो निशान रिकॉर्ड में नहीं मिलना चाहिए। अट्टी पट्टी को मिटा दे, 600 से ज्यादा लोगों को डुबो दे, 600 चेन और 600 पत्थर, मछली पकड़ने वाले समंदर में डूब जाने का मामला हम दर्ज करते हैं। हे सुब्रमण्य, तुम कानून की बात करते हो ना, जाओ तुम जाओ। उसी कानून के जरिए हम अट्टी पट्टी की काली तारीख लिख देंगे। इसे कोई नहीं बदल सकता सुब्रमण्य, क्योंकि तुमने मजहब को साथ में रखकर उसकी खातिर जंग लड़ी है। उसे कुछ नहीं होगा। कल 25 दिसंबर है, क्राइस्ट की सालगिरह। तुम्हारे गांव के लिए अच्छा होगा। गए हुए शैतान फिर लौटेंगे। अपने मजहब का जश्न मनाओ, चारों जानिब उसका परचम फहराओ।
वही हमारे गांव की खुशी का आखिरी दिन था। उस खुशी का सूरज गुरूब होने से पहले अत्ती पट्टी में उनके जुर्म का कहर टूट पड़ा।